नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनका टेस्ट के बारे में। एनका टेस्ट क्या होता है, कब इसे हम कराते हैं, या फिर टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो हम क्या पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एनका टेस्ट क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। यह शरीर की असामान्य एंटीबॉडीज होती है जो शरीर में बढ़ने लगती है। जब ये एंटीबॉडी शरीर में बढ़ती है, हमारे शरीर के न्यूट्रोफिल्स की एंटीबॉडी साइटोप्लाज्म को डैमेज करती है, जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के होते हैं। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है c-anca टेस्ट और एक होता है p-anca टेस्ट। यानी कि जो p-anca टेस्ट होता है वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो c-anca टेस्ट होता है ये PR3 प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके अंदर c-anca टेस्ट बढ़कर आ सकता है, या फिर हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, या फिर हम इन बीमारियों के लिए c-anca टेस्ट या p-anca टेस्ट या n-anca टेस्ट को करवा सकते हैं। सबसे पहला होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑटो इम्यून डिसीज, सिस्टेमिक वैस्कुलाइटिस, या फिर कोई चोट लगी हो, घाव हो, या लंग्स से रिलेटेड कोई परेशानी हो, या फिर किडनी से रिलेटेड कोई परेशानी। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं, या फिर नॉर्मल तरीके से भी ये टेस्ट बढ़ा हुआ आ सकता है या नहीं। जी हाँ, ये टेस्ट नॉर्मल भी बढ़ा हुआ आ सकता है, यानी कि बिना ऑटो इम्यून डिसीज के भी ये टेस्ट बढ़ सकता है, ये पॉजिटिव आ सकता है। इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर सिरोसिस हो सकता है। इन तीनों की वजह से भी ये टेस्ट बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ज्यादा जरूरी ये है कि इस टेस्ट को करवाने से पहले लोकल फाइंडिंग समय देखनी रहती है। लंबे समय से अगर बुखार आना बिना कारण के, इसलिए इस टेस्ट को भी करवाया जा सकता है, या फिर मसल्स पेन होना यानी कि मांसपेशियों में दर्द होना, इसके लिए भी टेस्ट करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर एनका टेस्ट के साथ में p-anca टेस्ट या फिर c-anca टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हो सकता है पेशेंट को ग्रैनुलोमेटस डिसीज हो। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।